उस दिन आईफा अवार्ड्स में सुशांत सिंह राजपूत को जब बुलाया जाना था तो उन्हें कुछ और कहा गया था, लेकिन जब वो स्टेज पर गए तो उनके साथ कुछ और ही हो गया और इस बात का खुलासा अब हो चुका है। तो आज आईफा अवार्ड्स की उस रात की बात करेंगे जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत को स्टेज पर तो बुलाया था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जो एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टेज पर, उससे बिल्कुल अलग उनको ट्रीट किया गया। ये वही आईफा अवार्ड्स है जिसकी वीडियो काफी वायरल हो रही है, जब स्टेज पर सुशांत सिंह राजपूत के साथ नजर आ रहे हैं शाहरुख खान और शाहिद कपूर, और दोनों ही मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को ग्रिल कर रहे हैं, उन्हें रोस्ट कर रहे हैं। 2014 आईफा अवार्ड्स की ये नाइट थी। इस अवार्ड फंक्शन में बॉलीवुड के सभी सेलिब्रिटीज इनवाइटेड थे, सुशांत सिंह राजपूत भी इनवाइटेड थे। काइपोचे फिल्म उन्होंने दी थी 2013 में, जिससे वो एक प्रॉमिसिंग एक्टर बन गए थे बॉलीवुड इंडस्ट्री के। उनकी फिल्म इतनी जबरदस्त हिट हुई कि सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड में लंबी रेस का घोड़ा माना जाने लगा। कई अवार्ड फंक्शंस में वो बेस्ट एक्टर के रूप में नॉमिनेटेड भी थे, जिसमें से एक था आईफा अवार्ड्स। जी हाँ, इस अवार्ड फंक्शन में सुशांत सिंह राजपूत ने बेस्ट एक्टर के नॉमिनेशंस में अपनी जगह बनाई थी। आपको बता दें कि उनका कंपटीशन इस दौरान कई स्टार किड्स से था। फरहान अख्तर भाग मिल्खा भाग के लिए नॉमिनेटेड थे, ऋतिक रोशन क्रिश 3 के लिए नॉमिनेटेड थे, रणबीर कपूर ये जवानी है दीवानी के लिए नॉमिनेटेड थे, बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान चेन्नई एक्सप्रेस के लिए नॉमिनेटेड थे, और सुशांत सिंह राजपूत ईशान के किरदार के लिए काइपोचे फिल्म के लिए नॉमिनेटेड थे। सुशांत सिंह राजपूत अवार्ड फंक्शन में गए और वहां पर मस्ती शुरू हो गई। शाहरुख खान स्टेज पर आते हैं, जिसके बाद शाहरुख और शाहिद मिलकर मस्ती करते हैं, और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को स्टेज पर बुलाया जाता है। सुशांत को नाम लेकर नहीं बल्कि मिस्टर काइपोचे कहकर स्टेज पर बुलाया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए ये मोमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। टीवी से फिल्मों में आए थे और फिल्मों में आते ही बेस्ट एक्टर की लिस्ट में नॉमिनेट हो जाना बहुत बड़ा दिन था। स्टेज पर थे शाहरुख खान सुपरस्टार और शाहिद कपूर। वैसे आपको बता दें कि शाहिद कपूर और सुशांत सिंह राजपूत में एक चीज कॉमन है, दोनों ही श्यामक दावर के असिस्टेंट रह चुके हैं, डांस में दोनों की ही मास्टरी है। सुशांत सिंह राजपूत सामने अपने सीनियर्स को खड़े देखकर उनके सामने जब गए तो उनके चेहरे पर वो डाउन टू अर्थ वाली फीलिंग, वो हम्बलनेस वाली फीलिंग दिखाई दे रही थी। बहुत ही हंसते हुए और मुस्कुराते हुए रिस्पेक्ट के साथ वो स्टेज पर चढ़े थे। मिस्टर काइपोचे कहकर सुशांत सिंह राजपूत को स्टेज पर बुलाया जाता है, और उसके बाद शाहरुख खान जो सुशांत सिंह राजपूत का आइडियल है, सुशांत सिंह राजपूत उनके जैसा बनना चाहते थे, वो सुशांत के लिए बोलते हैं क्या नाम वाम क्या है इसका? तो शाहिद कपूर जवाब देते हैं सुशांत सिंह राजपूत। तो शाहरुख खान इस पर जवाब देते हैं कि अब ये नाम है या पूरा एड्रेस है? तो यहीं से सुशांत सिंह राजपूत के नाम की और काम की हंसी उड़ाना शुरू हो गए। फिर शाहिद शाहरुख को आइडिया देते हैं कि सुशी कह दीजिए, शॉर्ट रहेगा। तो फिर शाहरुख जवाब देते हैं सुश भी है और शांत भी है, ये क्या बात करेगा। फिर शाहिद कपूर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बताते हैं कि एक्टिंग कर लेता है और एक्टिंग के साथ साथ थोड़ा डांस भी कर लेता है, ऐसा लोग कहते हैं। कहने का मतलब ये कि हमने नहीं देखा है। आपको बता दें कि सुशांत को अभी तक स्टेज पर आए हुए काफी समय हो गया, लेकिन उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। और इस पूरे टाइम जब सुशांत को रोस्ट किया जा रहा था, तब वो सिंपली स्टेज पर खड़े होकर बस मुस्कुरा रहे थे। और ये लोग कहने वाली बात का मजाक उड़ाते हुए शाहरुख खान फिर कहते हैं कि जो डांस वाली बात है, ये इसी के घर के दो चार लोग कहते होंगे। इसके बाद शाहिद कपूर को बहुत लंबी हंसी आ जाती है। फिर शाहरुख खान कहते हैं कि डांस की बात हो रही थी, इस पर सुशांत को पहली बार बोलने का मौका मिलता है और वो बोलते हैं शाहरुख को हाँ सर। वो शाहरुख जो सुशांत का अभी तक नाम भी नहीं ले रहे थे, नाम का मजाक उड़ा रहे थे, वही सुशांत सिंह राजपूत शाहरुख को हम्बली सर कहते हैं। फिर शाहरुख खान शाहिद की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि शाहिद कपूर के होते हुए कौन अच्छा डांसर हो सकता है, और फिर शाहिद को कहते हैं कि इसको बताओ कि कौन है बॉस,
डांसिंग का। फिर जब शाहिद डांस के लिए रेडी होते हैं तो गाना चलता है शाहिद कपूर का नहीं बल्कि शाहरुख खान का, चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गाना चलता है। अब ये गाना चेन्नई एक्सप्रेस का ही क्यों चलाया गया ये तो मेकर्स ही जानते होंगे कि शाहरुख को बुलाने के लिए और स्टेज पर इतनी देर प्रेजेंट करने के लिए मेकर्स को कितने समझौते करने पड़े होंगे। हालांकि शाहरुख खान की फिल्म का 1 2 3 4 वाला सॉन्ग चलता है और फिर शाहिद कपूर डांस करते हैं और सुशांत सिंह राजपूत साथ में हाथ में माइक लिए खड़े हुए देखते हैं। शाहिद के परफॉर्मेंस के बाद शाहरुख सुशांत को कहते हैं कि देखा कुछ सीखे, तो फिर सुशांत जवाब देते हैं कि सर मैं कर लूंगा। तो शाहरुख उसको कहते हैं बड़ा कॉन्फिडेंस दिख रहा है तुझ में। उसके बाद जब सुशांत का चांस आता है डांस करने के लिए तो पीछे से गाना नहीं चलता है बल्कि गाना तो शाहरुख और शाहिद गाते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म का जज्बा वाला सॉन्ग गाते हैं और उस सॉन्ग को भी इतने स्लो और सैड टोन में गाते हैं कि सुशांत डांस ही नहीं कर पाए। ये जो गाना जो इतना पॉपुलर हुआ था, लोगों को हिम्मत दी थी, इस गाने का मजाक उड़ाया गया, सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाया गया। यानी कि उस दिन स्टेज पर सुशांत सिंह राजपूत को बुलाया तो गया था लेकिन ना उन्हें कुछ बोलने दिया गया और ना उनकी तारीफ में कुछ कहा गया, बस उनका मजाक ही बनाया गया। फिर सुशांत रिक्वेस्ट करते हैं शाहरुख को कि थोड़ा अलग तरीके से गाओ, तो शाहरुख बोलते हैं कि अरे तेरा ही तो बजाया, अलग वलग क्या होता है, हट बेकार में। ऐसा करके शाहरुख फिर सुशांत को झाड़ देते हैं। यानी कि आप एक स्टार को स्टेज पर बुलाते हैं और सिर्फ उसका तमाशा बनाते हैं। क्या उस दिन मेकर्स के पास कॉमेडियन का बजट नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे न्यू कमर को स्टेज पर बुलाकर इस तरह की गिग तैयार की गई, या फिर मेकर्स शाहरुख को बड़ा बनाने में इतने ज्यादा खो गए थे कि उन्हें अपकमिंग टैलेंट नजर ही नहीं आया था। हालांकि ये तो उस अवार्ड फंक्शन की बात हो गई 2014 की, और इस अवार्ड फंक्शन की इस क्लिप को बहुत देखा गया है। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद लोगों ने शाहरुख खान को और इस क्लिप को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। और इस अवार्ड फंक्शन की नाइट के बारे में सुशांत का क्या रिएक्शन था, क्या उनका सोचना था, ये बात सुशांत सिंह राजपूत ने अपने एक दोस्त से शेयर की थी। उस दोस्त ने अब मीडिया में आकर बताया है कि उस दिन अवार्ड फंक्शन में जो कुछ हुआ था उसके बारे में सुशांत ने क्या कहा उनसे। उस दिन अवार्ड फंक्शन नाइट में सुशांत के साथ जो कुछ हुआ था उससे उन्होंने अपमानित महसूस किया था, ये बात उन्होंने अपने जिम पार्टनर अपने दोस्त सुनील शुक्ला को बताई थी। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने दोस्त को ये भी बताया था कि उस रात स्टेज पर वो लोग परफॉर्म करने वाले हैं, इस बारे में परफॉर्मेंस से कुछ ही देर पहले बैक स्टेज पर शाहरुख खान ने सुशांत को बताया था कि स्टेज पर क्या होने वाला है, और शाहरुख ने यह भी कहा कि वो स्टेज पर बुलाकर काय पोचे के बारे में बात करेंगे और सुशांत को काय पोचे का सिग्नेचर स्टेप भी प्रैक्टिस करने को कहा था। और इस बात को लेकर सुशांत सिंह राजपूत बहुत खुश थे, इतने बड़े स्टार्स के साथ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर वो स्टेज शेयर करने वाले थे। इस सिग्नेचर स्टेप के अलावा शाहरुख ने सुशांत को कहा था कि वो उनके करियर और उनके स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे, लेकिन जब स्टेज पर वो आए तो पूरा सीन ही चेंज हो गया। शाहरुख और शाहिद ने मिलकर उन्हें इंसल्ट करना शुरू कर दिया, उन्हें रोस्ट करना शुरू कर दिया। सुशांत को उस दिन बहुत ज्यादा बुरा लगा था, वो बहुत ज्यादा आहत हुए थे, लेकिन इंडस्ट्री में नए थे, प्लेटफॉर्म बड़ा था, थोड़ी नर्वसनेस थी, आउटसाइडर थे, सामने स्टार्स बहुत बड़े थे, इसीलिए सुशांत ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और वो स्टेज पर अपनी हंसी हंसकर उड़वाते रहे। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने अपने दोस्त से कहा था कि इन लोगों ने बहुत बेइज्जती कर दी मेरी, मेरे साथ बहुत गलत किया इन लोगों ने। इतना ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के इस दोस्त ने ये बात भी शेयर की है कि सुशांत सिंह राजपूत को जब करण जौहर ने ड्राइव फिल्म के लिए साइन किया था तब जैकलीन इस फिल्म की एक्ट्रेस थी, तभी जैकलीन को सलमान खान ने रेस 3 का ऑफर दे दिया और जैकलीन ने ड्राइव फिल्म के साथ साथ रेस 3 फिल्म भी की, लेकिन करण जौहर ने सुशांत सिंह राजपूत को उस दौरान किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ काम ही नहीं करने दिया। तो करण जौहर और सलमान ने मिलकर भी सुशांत सिंह राजपूत के करियर को बर्बाद करने की कोशिश की है। इस बात का खुलासा सुशांत सिंह राजपूत के जिम पार्टनर, उनके दोस्त जिनसे वो दिल की बातें शेयर करते थे, सुनील ने बताई है।